अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 29वीं बरसी पर मथुरा में अलर्ट है। शहर में पुलिस के अलावा पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। हर गतिविधि पर खुफिया विभाग भी नजर बनाए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक और वहां तक पदयात्रा निकालने के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने घोषणा की थी। इसके बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। किसी को ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखने आगरा जोन के आईडीजी जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भारी फोर्स के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही मस्जिद ईदगाह के आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। आज यहाँ पर जनपद मथुरा में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है और सभी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर किया जा रहा है। जनपद को 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और फोर्स, सिविल पुलिस के अतिरिक्त पीएसी और आरएएफ को भी लगाया गया है। तो ओवरऑल शांति है। कुछ संगठनों ने जो कॉल्स दी थी उन्होंने भी कॉल्स अपनी वापस ले ली हैं, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि कोई अशांति रहे। आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। क्योंकि पिछले 10 दिनों में कुछ संगठनों द्वारा कुछ कॉल्स दी गई थी और कॉल्स के परिप्रेक्ष्य में जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई की गई, तो अधिकतर संगठनों ने अपनी वो कॉल या तो वापस ले ली है या उन्होंने उसका स्थान परिवर्तित कर लिया है और वो अब दिल्ली में शायद जंतर मंतर की परमिशन वगैरह कुछ उन्होंने ली है या मांगी है। जहाँ तक मथुरा में इस बिंदु का सवाल है, यहाँ पर प्रशासन ने किसी भी संगठन को कोई भी ऐसी नई परंपरा शुरू करने के लिए परमिशन नहीं दी है। 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। प्रशासन का खास तौर पर कहना है कि हर हाल में शांत माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है, साथ ही जन्म स्थान और ईदगाह के आसपास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने छावनी बना दी है, जिससे कोई भी अराजक तत्व शांति व्यवस्था को खराब न कर सके। इसके साथ ही ट्रैफिक को भी विभाजित किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।